आज के वीडियो में आपको सुहाना खान के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल जोरों शोर से जारी है और आईपीएल में कल केकेआर का मुंबई इंडियंस के साथ मैच था। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ शाहरुख खान और सुहाना खान काफी ज्यादा अटैच्ड हैं और वो काफी सारे मैचेस देखने स्टेडियम भी जाते हैं। कल भी सुहाना खान स्टेडियम में मैच देखने गई थी जहां पर केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जा रहा था। मैच मुंबई इंडियंस के न्यू टीम मेंबर अर्जुन तेंदुलकर की न्यू गेम के कारण जीत पाए। आपको बताते चलें कि सुहाना खान केकेआर के ना जीतने पर काफी ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही थी। सुहाना खान मैच में काफी ज्यादा इन्वॉल्व दिखाई दी और एक टाइम पर जब ईशान किशन आउट हो गए तो सुहाना खान ने हीट ऑफ द मोमेंट में एफ वर्ड यूज कर लिया। सुहाना खान ने फक ऑफ कहा और उनकी ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्हें कुछ लोग ट्रॉल कर रहे हैं और कुछ उनकी साइड भी ले रहे हैं। जी हाँ, सुहाना खान की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो को शाहरुख खान के बिहेवियर के साथ कंपेयर किया जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि शाहरुख खान को कभी भी इस तरह के वर्ड्स यूज करते नहीं देखा गया, बल्कि वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा बिहेव्ड सेलिब्रिटी में से एक हैं। और अब उनकी बेटी जो रिसेंटली बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं और बॉलीवुड में रिसेंटली एंटर हो रही हैं, वो अभी से इस तरह के वर्ड्स यूज कर रही हैं और इस तरह से कर रही हैं, तो वो आगे कहाँ तक जा पाएंगी। जबकि दूसरी तरफ सुहाना खान के फैंस उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि एफ वर्ड या फक ऑफ बोलना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर सुहाना खान ने इस तरह से बोल दिया तो कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट में इस तरह से बोलना नॉर्मल है। अब आप सब ने हमें बताना है कि आपको क्या लगता है कि सुहाना खान को हीट ऑफ द मोमेंट में भी इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए थे और उन्हें अपने आप को कंपोज रखना चाहिए था, या इस तरह के वर्ड्स यूज करना नॉर्मल है और आजकल की जेनरेशन के लिए ये सब कुछ चलता रहता है। हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।